हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मल्टी सुपर स्टेटस। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि हम अपनी यूट्यूब वीडियो पे थंबनेल कैसे लगाते हैं, और मैं आपको वो सिखाने भी जा रहा हूँ कि किस तरह हम अपनी यूट्यूब पे थंबनेल लगा सकते हैं। अगर आपकी कोई पुरानी वीडियो भी है, उस पर थंबनेल नहीं लगा होगा, तो आप उस पर थंबनेल लगा सकते हैं। तो मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ किस तरह हम थंबनेल लगा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको ये करना पड़ेगा, यूट्यूब स्टूडियो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये प्ले स्टोर में मिल जाएगा, मैं आपको प्ले स्टोर में, आप ऐसे सर्च करोगे यूट्यूब स्टूडियो करोगे, तो ये देखो दोस्तों, ये आपका ऊपर सर्च में आ गया। तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं यूट्यूब पे इस तरह का। दोस्तों, मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरह करते हैं। तो इसे आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद आप सबसे उसके बाद आपको यूट्यूब ओपन करना होगा, और यूट्यूब ओपन करने के बाद आपको वीडियो अपलोड करना होगा। तो दोस्तों, वीडियो आप यहाँ से वीडियो अपलोड कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ज़्यादातर डायरेक्ट यहाँ से ये प्लस के आइकॉन से वीडियो अपलोड करता हूँ। तो यहाँ प्लस के आइकॉन पर जाएंगे, ये वीडियो अपलोड लिखा हुआ है, ये देखो दोस्तों, ये वीडियो अपलोड है, इस पर वीडियो अपलोड करना है हमें। उसके मैंने एक वीडियो बनाया, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने वीडियो अपलोड कर पे इसको लगा दिया। और दूसरी बात, आपको यहाँ पे सबसे नीचे आपको देखना है दोस्तों, जब भी आप वीडियो अपलोड करना, तो ये नीचे पहला आइकॉन है ना, ये नीचे आपको ये बना हुआ अनलिस्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपका अगर पब्लिश होगा, ये देखो दोस्तों, ये पब्लिश है, ये प्राइवेट है, और ये अनलिस्ट है। तो मैं ज़्यादातर अनलिस्ट में करके रखना पड़ेगा, आपको पब्लिश नहीं करना पड़ेगा, ये प्राइवेट अनलिस्ट में रहेगा दोस्तों। आप अनलिस्ट में कर देना, उसके बाद आप अपनी वीडियो को अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद आपको ये वीडियो अपलोड हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये वीडियो अपलोड हो चुका है। उसके बाद हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद हमें यूट्यूब स्टूडियो ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद आपको दोस्तों इस तरह का फेस आएगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नीचे हमारा ये वीडियो आ चुका है, ये देखो दोस्तों, ये वीडियो हमारा आ चुका है। तो हमको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, ये पेंसिल का निशान दिख रहा है, इस पेंसिल के निशान पर आपको टच करना है। पेंसिल के निशान पर टच करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे टाइटल करना है। आप यहाँ पे टाइटल लिख लोगे दोस्तों, उसके बाद टाइटल के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में लिख लेना ना, कुछ भी आप ये। उसके बाद ये अनलिस्ट है, तो इसको आप पब्लिश कर सकते हो दोस्तों। इसको अनलिस्ट हटा के इस तरह आप इसको टच करके यहाँ से पब्लिश कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर टैग है नीचे सबसे आगे, आप यहाँ पर टैग लगा सकते हो। कोई भी टैग आपको टैग लगाना पड़ेगा, 4-5 टैग लिख लेना, उस टैग को लगा देना। उसके बाद दोस्तों, ये साइड में आपको एक पेंसिल का निशान और आइकॉन दिख रहा है, इस पेंसिल पर क्लिक करोगे तो इसमें देखो दोस्तों, ये तीन यूट्यूब अपना थंबनेल देता है। तो इनमें से आप तीन में से कोई लगा सकते हो एक, नहीं तो उसके कस्टम थंबनेल में आप जाके अपना जो भी थंबनेल बनाते हो वो आप थंबनेल लगा सकते हो इसमें। ये डायरेक्ट आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। जो भी आपने थंबनेल बनाया हो दोस्तों, मैंने ये बनाया है, तो मैं इस तरह इसको थंबनेल लगा के उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट करके आप इसको पब्लिश कर सकती हो दोस्तों। इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ऐसे पब्लिश हम सेव कर देंगे, और उसके बाद आपकी वीडियो अपलोड हो सकती है। तो दोस्तों, अगर मान लो किसी वीडियो में, आपकी पुरानी वीडियो में अगर थंबनेल नहीं लगा होगा, तो आप उस वीडियो को भी थंबनेल लगा सकते हो, टाइटल चेंज कर सकते हो। अगर आपके व्यू नहीं बढ़ रहे हैं उस वीडियो पर, तो आप टाइटल चेंज कर दो या थंबनेल लगा लो, उस पर व्यू बढ़ने लगेंगे और आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों।